नमस्कार, क्रेडिबल इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज कुछ आपके लिए लाए हैं, आप देख लीजिएगा कि हमारा जो क्रेडिबल इंडस्ट्रीज़ है, हमारा इंडस्ट्रीज का नाम क्रेडिबल इंडस्ट्रीज, ठीक है। आज हम लोग नए तरीके से एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो BOPP टैप बनाने के लिए, जो अपना सेलो टैप का बिजनेस है, BOPP टैप का बिजनेस है, वो स्टार्ट करने के लिए हम आपके लिए ये दो स्टैंडर्ड टाइप के मॉडल है हमारे पास BOPP टैप बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले कैसा है कि ये जो मशीनरी का प्रोसेस है, आप देखिएगा कैसा है कि ये जो कोर कटर मशीन है, कोर आपको सबसे पहले क्या अलग अलग टाइप के कोर काटना रहता है। कोर कटिंग करने के बाद आप यही अलग अलग जो भी साइज़ में आपको टैप बनाना है, फिर आपको यहाँ पे आके सेटअप करना है। ये है अपना BOPP टैप स्लिटिंग मशीन, 300 mm का साइज़ है, 300 mm का साइज़ रहता है, ठीक है। आप इसमें चाहो जैसा चाहो वैसा टैप बना सकते हो, 12 mm से लेके 96 mm तक का टैप बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इस तरह से कोर का प्रोसेस है, पहले कोर रेडी करना है। कोर रेडी करने के बाद आपको ये टैप की प्रोसेस है। ये BOPP की जो मशीन है, सिंगल फेस में भी अवेलेबल होगी, थ्री फेस में भी अवेलेबल होगी, ठीक है। बाकी देखिए कि ये कैसा है कि ये पूरा एक कंट्रोल पैनल सिस्टम दिया हुआ है। आप कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आप काम करते हो, उसके लिए पूरा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पूरा काउंटिंग करने का पैरामीटर दिया हुआ है, डिजिटल मीटर्स है। यहाँ पे आपका स्पीड पोर्ट है, स्पीड आपका घटाना है बढ़ाना है वो प्रोसेस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मेन स्विच है, यहाँ पे ऑन करोगे तो ये रेड लाइट जलेगा, ठीक है। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, ठीक है। ये आप ड्राइव ऑन का सिस्टम है, जब भी मशीन स्टार्ट करोगे ड्राइव ऑन होगा तो आपको यहाँ से शो होगा। ये मशीन जो भी नया काम करने के लिए आता है, जो भी नया सेटअप करना चाहता है, उसके लिए ये दो मशीन बहुत उपयोगी है। कैसा है कि ये दो मशीन लेके अगर आप काम करते हो पर 8 आवर्स, 8 घंटे में आप 20-25 बॉक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सिंगल फेस, थ्री फेस दोनों में अवेलेबल रहता है। और कुछ आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे सारे कांटेक्ट डिटेल आपको दिए जाएंगे, सारी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी, ये बिजनेस कैसे होता है, ये बिजनेस कैसे करना है, उसका एक पूरा डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ये मशीन के लिए जो प्रोसेस है समझाएंगे। अब ये आप देखिए थोड़ी देर में, उसके बाद आपको ये कैसे लाइव प्रोसेस है, डेमो आपको दिखाया जाएगा। जो आपका डेमो है वो आपको पूरा एक डेमो दिखाया जाएगा, चालू रखिए। सेलोटेप बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसेस आपका कोर कटिंग का है। 1 मीटर का जो कोर आता है, आपको पहले कोर काटना है। इसमें 2 इंच का डाई सेट किया गया है, 2 इंच के कोर कटिंग के लिए। ये कटिंग हुआ और आपका कोर निकाला। फर्स्ट प्रोसेस कोर कटिंग किया मैंने। दूसरा प्रोसेस है अपना स्लिटिंग में, अपने को कोर डालना है। छह कोर डालने के बाद आपको लॉक कर देना है।
लॉक करने के बाद सेलो टेप अपने को चिपका देना है। 2 इंच का डाई सेट है इसमें मशीन के अंदर। ये अपना 2 इंच का ट्रायल सेट हो गया। इसमें मीटर सेटिंग आएगा आपका, एक सेट मीटर आएगा 30 मीटर, एक सेट टू आएगा 35 मीटर यानी 35 मीटर, यानी 30 मीटर पे आके स्लो हो जाएगा 5 मीटर, और एक डायमीटर आएगा अपना, डायमीटर इसका रहेगा 50। और ये ऑन बटन है, ग्रीन बटन दबाने से मशीन स्टार्ट होगा। इसके बाद अपने को पोर्ट से चालू करना है। स्पीड दिया गया है, स्पीड पोर्टर, इधर आपका स्पीड बताया जाएगा और इधर मीटर शो करेगा आपका। इधर आपका स्पीड आ रहा है और इधर आपका मीटर आ रहा है। ये ऑटोमेटिक स्लो हो गया, 30 पे आके ऑटोमेटिक स्लो हो गया और 35 पे स्टॉप हो गया। इसका स्पीड 175 तक गया, मैक्सिमम हाई स्पीड मशीन है ये अपना, और ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाएगा। इसके बाद अपना इसका प्रोसेस है कटिंग करना। स्केल इसके लिए ज़रूरी रहेगा आपका, स्केल से चिपका दिया और कटिंग कर दिया। और इसको रख दिया, इसके बाद रिमूव आएगा आपका। ये आपका तैयार हो गया 35 मीटर 2 इंचेस। इसका फिनिशिंग भी देख सकते हो आपने, टाइटनेस एकदम टाइटनेस स्टेप बना है। ये क्लच एंड ब्रेक वाली मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मॉडल। इसका टाइटनेस भी देख सकते हो, रोल इसका लूज आएगा लेकिन टेप आपका एकदम टाइट बनेगा इस क्लच एंड ब्रेक की वजह से। और यहाँ पे 12-12 mm का डिस्टेंस पीस दिया गया है, 12-12 mm यानी 12 mm से लेके 24, 36, 48, 72 और 96 यानी 4 इंचेस तक मैक्सिमम टेप बना सकते हो। इधर 500 मीटर तक टेप बना सकते हो आप इस मशीन के अंदर, 500 मीटर से कि आपने सेलो टेप बनाने का प्रोसेस का मैंने पूरा जानकारी दिया आपको। 600 mm पेपर कोर कटिंग, कोर काटना और सेलो टेप किस तरह रिवाइंड करते हैं सेलो टेप स्लिटिंग में, ये दोनों जानकारी मैंने आपको बताया है पूरा। लेकिन अगर आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस समझ में ना आया हो तो आप हमारे अहमदाबाद गुजरात में हमारा क्रेडिबल इंडस्ट्रीज कंपनी है तो आके विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको डेमो भी देखने को मिलेगा और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी समझने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरी मशीन की वीडियोस आपने देखी, दोनों मशीन की, कोर कटर मशीन है, BOPP 300 mm का मशीन है, दोनों का वीडियो आपने देखा लाइव, उसकी पूरी डेमो प्रोसेस देख ली। ठीक है, अभी कैसा है कि ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियोस बता दी। अभी आपको ये मशीनें लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको हमें कांटेक्ट करना है। कभी भी आपको किसी भी, आपको हर चीज़ का डिटेल मिल जाएगा, हमारे सारे कांटेक्ट नंबर, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का एड्रेस, ठीक है, सारा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी आपको लगता है, ऐसा कुछ भी लगता है, कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है आपके मन में, कोई ऐसी क्वेरीज है तो आप हमें बेशक कॉन्टैक्ट करें और हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, ये दो मशीन से आप स्टार्ट करो। ठीक है, और एक नए बिजनेस के लिए हम लोग आपको, एक नए सेटअप के लिए आपको बताना चाहे हैं, जो बताया आपको पूरा नया सेटअप के लिए, आपने देखा पूरा सेटअप। ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा लगे तो आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रेडिबल इंडस्ट्रीज का, आप उसको, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और ये बिजनेस आपके साथ सेट करना है, ये वीडियो आप लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कोई भी, अभी हम लोग आने वाले समय में और भी कुछ वीडियोज लोड करेंगे, कुछ वीडियोस आपके पास आएगा। ठीक है, बाकी कुछ और लगे तो हमें कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू, जय हिंद।